सेशन बता दूंगी, यानी कि उसमें क्या क्या कहा जा रहा है हमें, वो सब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल टेल यू हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। लुईस ब्राउन इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। लुईस ब्राउन जो है वो पोएट है इस पोएम की। अब जो है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, मैं रीड करती, आप मेरे साथ साथ रिपीट करें, ठीक है। स्टार्ट। इन द हार्ट ऑफ अ सी, इन द हार्ट ऑफ अ सी, बरेड डीप सो डीप, बरेड डीप सो डीप, अ टिनी लिटिल प्लांट, a tiny little plant lay fast asleep. Wait, said the sunshine, and creep to the light. Wait, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see. What the wonderful outside world might be. तो चलें एक बार फिर से हम जो है इसकी रीडिंग करते हैं। In the heart of a seed, buried deep so deep, a tiny little plant lay fast asleep. Wait, said the sunshine, and creep to the light. Wait, said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see what the wonderful outside world might be. So students, I hope कि आपको read करना जो है उसको आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बोला क्या था। इसमें ये बोला क्या है कि एक सीड जब होता है, जब उसे हम सोयल में यानी कि बोते हैं उसे, तो वो एकदम से तो नहीं स्प्राउट कर जाता। जब हम एक सीड को, इसमें बोला क्या है कि एक सीड को जो है सोयल में बहुत अंदर जो है दफना लेंगे, यानी कि बो देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि सीड में कोई हरकत नहीं हो रही थी। अब उस पर जो है यानी कि कोई टिनी लिटिल प्लांट नहीं बन रहा था, कोई छोटा सा भी कुछ भी स्प्राउट अभी नहीं हुआ, तो सनशाइन यानी कि सन जो है अपनी जो धूप है, अपनी जो लाइट है, रोशनी है, उसने जो है पौधे पर यानी कि जो अपने बोया हुआ था उन्होंने उस पर जो है देता है अपनी लाइट। और उसके बाद वो कहता है कि उठो जाओ, सीड को क्या कहता है कि जाओ, फिर वो कहता है कि जाओ और रोशनी की तरफ निकलो, रोशनी की तरफ नींदते हुए निकलो। अब जो है इतने में रेन ड्रॉप्स यानी कि जो बारिश के कतरे उस पर पड़ रहे होते हैं, सीड को उनकी भी आवाज आती है कि भाई उठो। रेन ड्रॉप उसे क्या कहते हैं, उठो। अब उसके बाद जो लिटिल प्लांट होता है वो उसे सुनता है, उन वॉइसेस को सुन रहा होता है, और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा सा करके ऊपर उठता है, यानी कि वो बढ़ रहा होता है, ऊपर उठता है। और जब वो ऊपर उठ जाता है यानी कि वो स्प्राउट हो जाता है, छोटा सा टेनी सा लिटिल प्लांट जब स्प्राउट हो जाता है, तो वो देखता है कि बाकी की दुनिया कितनी खूबसूरत है, और वो हैरान हो जाता है, वो कहता है वाह, बाकी की दुनिया तो बहुत खूबसूरत है। यानी कि जब हम बीज को बोते
पास है वो मैं आपको रीड करके दिखाऊंगी और आपने मेरे साथ रिपीट करना है ताकि आपको रीडिंग करने में बहुत ज्यादा आसान हो। फर्स्ट वन इज हार्ड, हार्ड। सी सी परे, परे। डी डी डिनी, डिनी। प्लांट, प्लांट। फास्ट, फास्ट। एस्लीप, एस्लीप। सनशाइन, सनशाइन। ट्री, ट्री। वॉइस, वॉइस। रेनड्रॉप्स, रेनड्रॉप्स। ब्राइट, ब्राइट। लिटिल, लिटिल। हर्ड, हर्ड। रोज, रोज। वंडरफुल, वंडरफुल। आउटसाइड, आउटसाइड। माइट बी, माइट बी। चले, आई होप कि आपको ये डिफिकल्ट वर्ड्स भी समझ आ गए होंगे, आपको रीडिंग